तो हाय फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे J7 में देखिए क्या प्रॉब्लम आ गया है, यानी कि डिस्प्ले जो है कलर वो पूरा ब्लैक हो गया है। और ये मॉडल है J7 सैमसंग का, और इसको मैं कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में आज बताएंगे। और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो गाइस देखिए ये डिस्प्ले का जो कलर है मैं इसको कहाँ से सॉल्व करता हूँ, तो वीडियो पर बने रहें तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। देखिए ये ज़्यादातर प्रॉब्लम छेड़खानी से हो जाता है और ये तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ सॉल्व करें, इसलिए मैं आपको वीडियो बना दिया है। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, देखिए मैं कहाँ पर जाता हूँ। ज़्यादातर लोग ये डिस्प्ले सेटिंग में जाता है, लेकिन यहाँ पर ये सॉल्व नहीं होता है। देखिए मैं इसको कहाँ से सॉल्व करता हूँ इसके बारे में आज बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, नीचे आ जाना है और सेटिंग में जाने के बाद, और देखिए सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है डिजिटल वेलबिंग, और डिजिटल वेलबिंग पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर देखिए ऑन लिखा हुआ है विंड, विंड डाउन, और विंड डाउन पर ओके करना है। और ओके करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर देखिए ऑन हुआ है, देखिए इसको मैं बंद कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको बंद कर देना है, और उसके बाद आपको बैक आ जाना है। देखिए बैक आ जाने के बाद देखिए ये कलर आपको देखने में देखिए गाइड कैसा लगा, और यही जो ब्लैक था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।